के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि छत्तीसगढ़ में जो है ट्रैफिक पुलिस के लिए अब भर्ती होने वाला है और इसके लिए जो है 2000, सोचिए छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के लिए जो है 2000 पदों पर आपका भर्ती होने वाली है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा भर्ती है आपका 2000 पदों पर जो है आपका भर्ती होने वाला है 2021-22 दोनों में। अभी 2021 में नोटिफिकेशन आया है और 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आप आवेदन करेंगे। तो इसके लिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन कैसे होगा और आपको आवेदन कब से करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें ट्रैफिक पुलिस के लिए तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और आवेदन शुल्क की बात करें तो आपका लगभग 200 से 300 रुपये आपका आवेदन शुल्क लगेगा। और जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस संबंध में आता है तो आपको सूचना दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपको इतना शुल्क जो है लगेगा। जनरल कैटेगरी का थोड़ा 50 रुपये का ज़्यादा रहता है। वेतन की बात करें ट्रैफिक पुलिस का तो आपका 14 से 15 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें, उसके बाद फिज़िकल होगा इसमें और सभी चीज़ों, क्योंकि इसमें आपका हाइट होना चाहिए, हाइट आपका मापा जाएगा, चेस्ट कितना ही है सभी मापा जाएगा, तो आपका फिज़िकल होगा, लिखित परीक्षा होगा और दोनों को मिलाकर जो कि एक एवरेज बनेगा उस हिसाब से जो है आपका चयन होगा। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2000 पदों पर जो है आपका भर्ती होने वाला है। तो 2000 पदों के लिए जब भर्ती होने वाला है तो आप जो है स्टार्ट अभी से अपना प्रिपरेशन करना जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2000 पदों पर जो है आपका भर्ती होने वाला है। 2000 पदों में से एक पद पर आपका ज़रूर भर्ती होना चाहिए। तो खुद पर बिलीव भरोसा कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ज़्यादा यदि आप फिज़िकल में मार्क्स लाते हैं और लिखित में कम लाते हैं तो फिर भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यदि कोई स्टूडेंट जो है मैथ्स में वीक रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमें तो गणित नहीं आता तो हम एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ अगर मैथ्स आपका अच्छा नहीं है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट में आप जो है फोकस कीजिए तो आप निश्चित तौर पर ही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और एग्ज़ाम में जो है सफल हो पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है ट्रैफिक पुलिस में 2000 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है, इसके लिए जो है आवेदन जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो 2022 में इस संबंध में सभी चीज़ें आएगा, तो नोटिफिकेशन अभी से आ गया है तो हम जो है तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस के लिए आप कौन सी बुक से, कौन से पुस्तक से आप पढ़ाई करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आप उन बुक से पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको जो है मैं बता रहा हूँ उस बुक से आपको पढ़ाई करना है। तो इसके लिए आप जो है हरिराम पटेल का जो है आप कंपटीशन एकेडमी ले सकते हैं, टूटेजा का आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, और आपको जो है हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण जो है आप छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं, और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए जो है फरवरी मार्च में रिलीज़ होता है बुक आर्थिक सर्वेक्षण का वो ले सकते हैं। और अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए जो है आप विकास परक का जो है मासिक पत्रिका ले सकते हैं या फिर आप करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप करंट अफेयर्स में अच्छे से नहीं होंगे, आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए जो है आप विकास परक का ले सकते हैं छत्तीसगढ़ में, और अर्जुना का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। चाहे तो आप दोनों बुक्स लीजिए और दोनों बुक से आपको पढ़ाई करना है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, और हमारा नेक्स्ट बुक है जिसमें आपको मैं बता दूं कि आपको जो है रीजनिंग के लिए, मास्टर रीजनिंग के लिए जो है आपको अरिहंत का जो है मास्टर रीजनिंग से आपको पढ़ाई करना है, तो आप मास्टर रीजनिंग का बुक ले सकते हैं मैथ्स के लिए। चाहे तो आप सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के लिए आप जो है टूटेजा का भी ले सकते हैं, टूटेजा का जो है आप सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इन बुक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से जानकारी जो है दिया रहता है।
और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए जो है आप प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगज़ीन ले सकते हैं, इससे आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए जो है आप कंप्यूटर एक परिचय परीक्षा मंथन का आप जो है ले सकते हैं। हिंदी के लिए जो है आप दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी आप सोचेंगे कि हिंदी तो बहुत इजी होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी बहुत इजी होता है, लेकिन आप जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे। हिंदी में आपका स्वर व्यंजन वर्तनी समास संज्ञा अशुद्ध 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 वाक्य शुद्ध वाक्य सर्वनाम ये सभी चीज़ें जो है पूछा जाता है। तो आप हिंदी के लिए जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए जो है आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह के जो है दिशा पब्लिकेशन के ले सकते हैं। इंग्लिश में आपका टेंस वाइज नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन क्वेश्चन टैग आर्टिकल डिग्री ये सभी चीज़ें आपका इंग्लिश में आएगा। तो आपको इंग्लिश के लिए भी अच्छे से तैयारी करना है। और बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए, तो एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ रीजनिंग के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का जो है आप वस्तुनिष्ठ अंक गणित ले सकते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग अंक गणित तार्किक आपका बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा और आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। और बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है अच्छे से दिया रहता है। तो आप इन बुक से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जनरल साइंस GS के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए जो हम दृष्टि IAS का जो है क्विक बुक ले सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए जो है आप M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था ये ले सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए जो है आप प्रतियोगिता सारांश के टूटेजा ट्यूटोरियल्स का ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये CGPSC व्यापम सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं छत्तीसगढ़ में सभी के लिए जो है बहुत अच्छे से होता है। और बात करते हैं हम जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए, तो हम जो है सामान्य अध्ययन विशेषांक ले सकते हैं या फिर भारत का भूगोल NCERT बेस्ड बुक राइटर इसके वजह ये सभी चीज़ें ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि इसका क्विक बुक ले सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। तो इन बुक से हम जो है पढ़ाई करेंगे, तो हम जो है ट्रैफिक पुलिस के एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाओगे और एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाओगे। तो आपको जो है डेली का करंट अफेयर्स की नॉलेज होना चाहिए, सामान्य जानकारी होना चाहिए, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स भारत का इतिहास छत्तीसगढ़ का इतिहास इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सभी के बारे में आपको जो है अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाओगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में 2000 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है, तो आप जो है इसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और आप लिखित तो और फिजिकल दोनों में आप अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करना, जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जरूर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे सपोर्ट कर लीजिए।